हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हैं हमेशा की तरह डॉक्टर लाइन। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिग राउंड और स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे साइज देख सकते हो, जो 80 mm by 50 mm और राउंड का जो डाया है वो है कुछ 100 mm, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे राउंड का जो है वो डाया अलग है, मतलब बड़ा है, और लेंथ 60 mm है। तो और ये मैं रखने वाला हूँ वन साइड फ्लैट, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखा है, बट ये जो है मेरा वन साइड फ्लैट है, ठीक है। तो इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगने प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह का नॉलेजल वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम किस तरह बनाना है, 80 mm by 50 mm का एक स्क्वायर डायग्राम बनाना है। और यहाँ पे अभी मैं एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, वन साइड फ्लैट, ठीक है, वन साइड फ्लैट, ठीक है। तो वन साइड फ्लैट है ये, तो अभी उसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल का डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो रेक्टेंगल का जो मेरा यहाँ पे देख सकते हो साइज 80 mm है, तो आपको देखो डायग्राम कहाँ पे बनाना है, वहाँ पे मतलब स्क्वायर का साइज जो है, अभी यहाँ पे राउंड का साइज बड़ा है 80 mm, तो समझ लो 10 mm का डिफरेंट आ रहा है 20 mm का, तो एटलीस्ट 10 mm छोड़ना पड़ेगा आपको सीट से, तभी आपका जो है डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे मैं अभी 15 mm ले लेता हूँ, 15 का एक मार्किंग इधर ले लेता हूँ और 15 का एक मार्किंग यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये दो हो गया मेरा, ये और ये, ठीक है। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ से दूसरा साइज जो है मेरा 80 mm, तो सबसे पहले वो 80 mm मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो जहाँ पे भी आ जाए मेरा 80 mm का एक मार्किंग यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, और एक यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से दो मार्किंग ले लिया। उसके बाद दूसरा साइज जो है मेरा यहाँ पे देख सकते हो 50 mm, और इसमें जो है 100 है, मतलब 50 mm का डिफरेंट आ रहा है, तो एक साइड से 50 mm छोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा छोड़ देता हूँ, 55 mm छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को जो है यहाँ पे थोड़ा सा दिखना चाहिए, ठीक है। तो 55 का दो मार्किंग कर लेता हूँ पहले सबसे, और उसके बाद यहाँ से ले लेता हूँ मेरा जो साइज है ये वाला 50 mm, ये ले लेता हूँ यहाँ पे, तो वो मेरा आ रहा है यहाँ पे, और एक आया है मेरा यहाँ पे अभी ले लेता हूँ मैं 50 mm, तो एक मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक राइट एंगल मैच करके आपको दिखा देता हूँ कि ये बनेगा किस तरह से। तो यहाँ पे फाइनली ये इस तरह से एक लाइन लेना है, और एक लाइन इस तरह से लेना है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो है 80 mm का लाइन, इसको यहाँ पे इस तरह से मैच कर देना है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे मैच कर देना है इसको, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है 80 mm, ये 50 mm, ठीक है। अभी जो बचा है मेरा वो राउंड का, जो देख सकते हो यहाँ पे मेरा डाया कितना है 100 mm है, तो आपको उसके लिए एक 50 mm का कंपास बना लेना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे अभी 50 mm का एक कंपास बना लेता हूँ, तो मैंने 50 mm का कंपास बनाया है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो बॉटम वन साइड फ्लैट बोले तो बॉटम फ्लैट, इधर जो है मेरा प्लेन है, तो फाइनली मैं इधर से लेवल रखने वाला हूँ। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेंटर पॉइंटर ले लेता हूँ यहाँ से मैं, सेंटर की लाइन ये वाली जो मेरा 40 mm आएगा 80 mm का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको 40, और इसको अभी, तो यहाँ पे मैंने एक लंबी लाइन खींच ली है। उसके बाद क्या करना है, ये जो मेरा 50 mm का डाया है इधर से फ्लैट है, तो मैं यहाँ से एक पॉइंटर यहाँ पर ले लेता हूँ, और एक पॉइंटर यहाँ पर आया मेरा फाइनल पॉइंटर, और इसके ऊपर इस तरह से रेडियस घुमाना है, ठीक है, चारों साइड घुमाना है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्क्वायर का साइज, ये उसका साइज हो गया है। अभी इसको डिवाइड आपके ऊपर है, कितना पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हो, तो मैं सिंपल सा इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। अगर नंबर की बात करूँ तो 3 ही आएगा, ठीक है, नंबर 4 आएगा और डिवाइड 3 आएगा, जैसे कि समझ लो ये हो गया 1 2 3 4, इस तरह से नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, ये लाइन को थोड़ी सी यहाँ पे मैच कर लेना है पॉइंटर के लिए, सिर्फ यहाँ पे इस तरह से,
ताकि यहाँ से मैं ये पॉइंटर ले सकूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, फिर वापिस यहाँ पे लेना है। मतलब सिंपल सा तरीका बोलूँ तो आपको इसको डिवाइड करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको फाइनली डिवाइड कर लिया है और अभी मैं इसको नंबर भी देने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसको मैं एक ही पार्ट में बनाने वाला हूँ, ठीक है। वन पार्ट में कोई नहीं बना के देता है, मैं लेकिन बनाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वापस यहाँ पे थ्री, उसके बाद टू, वन टू थ्री फोर थ्री टू वन, ठीक है। ये वन नंबर आया मेरा, ये फाइनली मेरा डिवाइड हो चुका है। अभी मैं इसको पॉइंट मैच कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये राउंड टू स्क्वायर है, नहीं तो थोड़ा सा डाउट। उसके बाद क्या करना है, ये स्क्वायर का पॉइंट पे पकड़ना है और यहाँ पे जो डिवाइड हुआ है उसको इस तरह से लाइन खींच लेना है ताकि थोड़ा ये क्वालिटी में दिखे और समझ में आए, ठीक है। और ये यहाँ पे मैच हो सकता है, हो सकता है ये सेम ही हो, बट आपको यहाँ पे सेम ही मिलेगा लगता है, 50 mm साइज है मेरा तो इसलिए ये सेम ही आया है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट। और उसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पे रखना है इस पॉइंट के ऊपर और इसको डिवाइड कर लेना है, मतलब इस तरह से लाइन खींच लेना है इस तरह से, ठीक है। उधर हो चुका है, अभी ये देखो मैं इसको कर देता हूँ ए और बी, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट मेरा डी हो चुका है, ठीक है, ताकि इजीली समझ में आए। तो अभी क्या करना है, ये बी को यहाँ एक नंबर में मैच करना है, तो ये तो सेम ही है, तो अभी दो नंबर में मैच कर लेता हूँ। यहाँ पे मैच कर लिया, उसके बाद एक नंबर मेरा यहाँ पे डिवाइड आया था, इसको डिवाइड कर लेता हूँ और यहीं से आपको ये चार नंबर भी लेना है इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे लेना है चार नंबर और फिर तीन नंबर, हो सकता है यहाँ पे आपका लाइन क्रॉस होकर मैच हो जाए, पर आपको पॉइंट लेने के लिए ही ये लाइन लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डिवाइड हो चुका है ये मेरा जो है, ये बनने के बाद आपको समझ में आएगा शायद। अब यहाँ पे अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न है तो बनने के बाद ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैं इसी बुक पे बनाने वाला हूँ और वो भी एक ही पार्ट में बनाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी मैं इसका एक तरीका और बता दूँ, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर से ओवल कितना आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा 50 mm आउट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक 50 mm का मार्किंग लेना है और एक इधर लेना है, ठीक है, तभी यहाँ पे ये बनेगा। इस तरह से दो मार्किंग ले लेना है आपको और इसके ऊपर एक लंबी लाइन खींचना है, क्योंकि मैं जो उतारने वाला हूँ वो यहीं पर उतारने वाला हूँ, पूरा राउंड टू स्क्वायर इसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको इस तरह से कर देता हूँ लाइन एक, और यहीं पे सारा पॉइंट उतारूंगा भी, इसका भी और इसका भी, और आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए प्लीज़। और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला तो स्किप करके ना जाना प्लीज़, नहीं तो आपको कुछ भी डाउट हो सकता है, ठीक है। इस तरह का आपको बनाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से एक राइट एंगल मैच करना है, ठीक है। वो किस लिए करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। तो यहाँ पर देखो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा 7 mm लेंथ है ना, ये लेने वाला हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हो मेरा एंड पॉइंट यहाँ पर आया है, इसको मैं L कर देता हूँ, L 60 mm, ठीक है। और ये जो लंबी लाइन है मेरा, ये लाइन मैं किस लिए लिया हूँ, क्योंकि यहाँ से जो सारा पॉइंट आएगा मैं इस पॉइंट के ऊपर से यहाँ से सारा लाइन इस पे उतारूंगा और यहाँ से हाइट लेके फिर आपको यहाँ पे सारा पॉइंट उतार के दिखाने वाला हूँ। तो इसीलिए ये पॉइंट लिया हूँ, एक एक पॉइंट लूँगा उसके बाद आपको दिखाऊँगा, सारा पॉइंट ले लूँगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है ये बुक है, तो मैं इसका सेंटर निकाल लेता हूँ कि कितना हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बुक का सेंटर कर लिया हूँ, मेरा आया है यहाँ पे सेंटर, ठीक है, ये वाला मेरा सेंटर आया है। और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहला काम देखो, अभी मैं यहाँ से उतारने वाला हूँ ताकि जो मेरा ये मैं 50 mm इसीलिए लिया हूँ, वन पार्ट में बनाऊँगा तो वो इस तरह से डाउन होगा, इसीलिए मैंने नीचे से 50 mm ऑलरेडी छोड़ रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला साइज देखना है, 80 mm लेना है, तो ये सेंटर के ऊपर रख करके 40 mm इधर लेना है और 40 mm इधर लिया तो यहाँ पे 80 आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ डी, डी
और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ अभी सी, ठीक है सी, क्योंकि इसी दोनों का पॉइंट उतारना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रकार बना लेना है, या तो जी आई सीट पर करोगे तो जी आई सीट पर, अगर आप रू कहीं पर भी बनाओगे तो इस तरह से एक प्रकार आपको बना लेना है इस तरह से, ठीक है। अगर इससे आपको नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला है 100 mm गुना 3.14 करोगे आप तो इसका होगा आपको 314 होता है, इसको डिवाइड कर लेना है आपको 1, 2, 3, 4 मतलब 4, 4, 8, 4, 12, 16, 8 में ऐसा कुछ तो भी डिवाइड कर लेना है, तो इतना पॉइंट आएगा, ये जो डिवाइड हुआ है ना वही पॉइंट आता है, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट बना लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रकार आपके पास रहे या मेजर टेप किसी चीज़ से आपको रखना पड़ेगा ये सारा पॉइंट लेने के लिए। तो अभी मैं वही पॉइंट यहाँ पे क्या करूँगा, डी का, डी से एक नंबर और सी से एक नंबर लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि मैं इधर से स्टार्ट करूँगा तो मेरा जो है वो नीचे आएगा, इसीलिए मैंने डी से स्टार्ट किया है, बट आपको चाहिए तो आप दो पार्ट में भी बना सकते हो, ये मैं एक ही पार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, फाइनली आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ तक, तो ये देख लेना है आपको परफेक्ट है, 1 mm का भी माइनस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पीस गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे आ रहा है मेरा 65 mm, तो मैं क्या करूँगा अभी इस लाइन के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा इस तरह से 65, ठीक है। लिखना नहीं है यहाँ पे, आपको लिखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, सिर्फ मार्किंग लेना है। और इस प्रकार को क्या करना है, फिर आपको इसके ऊपर रखना है ये हाइट वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे मैच करना है इसको, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हो डी का पॉइंट भी वही है, सी का भी वही, तो इसलिए यहाँ पे रखना है इस तरह से, रेडियस करना है और इसके ऊपर रख करके एक रेडियस कर देना, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है 1 नंबर, ठीक है, 1, ये वाला 1 नंबर। और उसके बाद क्या करना है, इस प्रकार को लेना है आपको यहाँ पे इस तरह से रेडियस करना है ये साइड में, और फिर ये साइड में रेडियस करना है। उसके बाद क्या करना है, अभी देखो आप इधर से ले लो या इधर से ले लो, सेम ही आने वाला है, क्योंकि मैं एक पार्ट में बनाने वाला हूँ। अगर आपको दो पार्ट में बनाना होता तो यहाँ से आधा का काम करना पड़ता है, या तो फिर ए और बी का काम करना पड़ेगा, फिर डी और सी का, ठीक है। तो उसके लिए अलग मेथड है, ये मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या करना है, इसी पॉइंट पर से फिर से आपको यहाँ पे देखना है 2 नंबर परफेक्ट देख लेना है, 1 mm माइनस रहे तो भी चल, यहाँ पे देखना है तो मेरा आ रहा है 47 mm। और इधर भी मैं चेक कर लेता हूँ कुछ डाउट तो नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी 47 mm आ रहा है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक 47 mm का यहाँ पे मार्किंग ले लेना है इसी के ऊपर, और फिर से अपना वही पुराना वाला मेथड, इस पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे लेके देख लेना है कितना आ रहा है, और यहाँ पे रखना है और इस तरह से राउंड कर लेना है पॉइंट को, और यहाँ पर लेना है इस तरह से, क्योंकि ये डाउन होगा, आप देख सकते हो स्क्वायर का जो डाया है वो बड़ा है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो है ये 2 नंबर, और 2 नंबर हो चुका है। उसके बाद लेना है फिर से यही प्रकार जो डिवाइड किया हुआ था, इसको यहाँ पे लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा जो डायग्राम है वही डैमेज हो रहा है, क्योंकि एक ही बुक पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप लोग उतना एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से देखना है 3 नंबर, तो 3 नंबर 26 mm आ रहा है, इधर भी देख लेता हूँ मैं कुछ डाउट तो नहीं, यहाँ पर भी 26 mm आ रहा है, ठीक है। तो फिर से क्या करना है, यहाँ पर एक 26 mm का मार्किंग लेना है इस तरह से, और फिर से वही पॉइंट को यहाँ पे रखना है 26 mm के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे रख करके इसको डी पर, तो यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा यहाँ पे, मैं अभी एक ग्रीन पॉइंट लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और इसके ऊपर रख कर एक यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा पेन से ये कर देता हूँ इस तरह से, तो कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। ये मेरा 3 नंबर हो चुका है, और ये भी 3। तो अभी उसके बाद जो है मेरा 4 नंबर बच रहा है, तो अभी मैं 4 नंबर फिर से यही प्रकार लूँगा, और इसको यहाँ पे इस तरह से राउंड करना है, और इसको यहाँ पे राउंड करना है, ठीक है। उसके बाद जो बचा है मेरा, वो बचा है 4 नंबर, 3 का हो चुका है, 4 नंबर बचा है, तो 4 नंबर लेना है अभी।
उसके बाद फिर यहाँ से देखना है चार नंबर कितना आ रहा है मेरा, तो चार नंबर 10 mm आ रहा है, तो दोनों साइड आप देख सकते हो दोनों तरफ 10 ही mm आएगा, क्योंकि ये जो 80 का डाया है और ये है 100 का डाया है, 80 का स्क्वायर है 20 mm हुआ, तो 10 mm इधर आया, 10 mm इधर, तो आपको एक 10 mm का मार्किंग लेना है यहाँ पर इस तरह से, और फिर से यहाँ पे लेंथ के ऊपर रख करके यहाँ पे जो मैंने रेडियस लिया है ये वाला 4 नंबर का यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 4 नंबर कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये हो चुका है मेरा यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। मेन पॉइंट वही है, वीडियो का जो बनाने का मकसद है यही है कि आप यहाँ पे आके गड़बड़ा जाओगे, इसलिए मैं अभी आपको क्लियरली समझा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, 1 पार्ट में बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 नंबर तक आ चुका है इधर तक पॉइंट है, उसके बाद ये वाला साइज जो है आपका 50 mm ये देख लेना है आपको। अगर आप हाफ पार्ट में बनाओगे तो यहाँ पे आपको आधा लेना पड़ेगा इसका, और लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि फुल में बना रहा हूँ एक ही पार्ट में, तो इसलिए यहाँ पे पूरा 50 mm का एक कंपास बनाना है आपको यहाँ पे, और इधर पे राउंड करना है इस तरह से, ठीक है, यहाँ से। अगर आप इसको 2 पार्ट में बनाते तो इसका आधा लेना पड़ता था आपको, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 1 पार्ट में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा वही मेन चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर हो चुका है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेगा कि बराबर आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया, अभी इसको किस पॉइंट से कट करना है कि यहाँ से ये परफेक्ट आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 4 नंबर को, ये देखो ये एंड पॉइंट हो चुका है ना यहाँ से ए, अभी यहाँ पे मेरा ए पॉइंट आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे ए, अब देख लेना अभी कट के। तो सबसे पहले इस पॉइंट 4 नंबर से ए को देखना है कि कितनी दूरी है इसकी, ठीक है, और इसको यहाँ पे रखना है, और इस तरह से मैच करने के बाद फिर यहाँ पे आपको देख लेना है ये कितना आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ चुका है, और उसको क्या करना है इस पॉइंट पे रखना है ये 4 नंबर पे, और यहाँ पे इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली पॉइंट आ चुका है, तो अभी मैं इसको मैच करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का दिखेगा बनने के बाद। ये आया मेरा यहाँ पे, ठीक है, और उसके तो यहाँ पे अभी इसको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग टाइप का बिल्कुल दिखेगा, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अभी यहाँ से जो है ये इस तरह से दिख रहा है, और इसको यहाँ पे मैच कर देना है, ठीक है, और सारा पॉइंट फिर जो यहाँ पे है इतना मैं मैच कर लेता हूँ पहले, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आप वीडियो स्किप कर दोगे, इसलिए यहाँ पे पहले इसको मैं मैच कर लेता हूँ, ये यहीं तक मैच होगा, और ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास ऑलरेडी है, ये इसी पॉइंट के ऊपर से फिर से यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये भी इसीलिए मैंने यहाँ पे 50 mm ऊपर लिया था, क्योंकि जो है वो मार्किंग मेरा नीचे आ रहा था, तो थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया मैंने इसलिए, और इसको यहाँ पे मैच करना है इस तरह से। और एक चीज़ बता दूँ, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये राइट एंगल रख के देखना है, तो इस बार ये राइट एंगल इधर आएगा, ठीक है, आपको मैं हमेशा इधर से बताता था ये पॉइंट के ऊपर से, तो यहाँ पे अभी आने वाला नहीं है, ये आपको इधर ही देखना पड़ेगा, और दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये राइट एंगल आना चाहिए आपका, नहीं तो राउंड टू स्क्वायर जो है नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको अभी मैं यहाँ से मैच कर लेता हूँ, यहाँ से पहले स्टार्टिंग से 1 नंबर से इस तरह से मैच हो रहा है ये, और 2 नंबर में, फिर 3, 4 में तो ऑलरेडी है ही, और इसके बाद मैं अभी क्या करता हूँ इसका राउंड भी घुमा लेता हूँ, सारा राउंड का मार्किंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने राउंड का भी मार्किंग कर लिया है, और ये मेरा, उसके बाद क्या करना है आपको, फिर इसी प्रकार को लेना है यहाँ पे, इस तरह से राउंड करना है, और फिर यहाँ पर लेना है इस तरह से राउंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा पॉइंट लेना है, देखो अभी ये ए पॉइंट पर आ गया ना मैं, अभी ए से ये देखना है यहाँ पर 2 नंबर 3 2 1, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, ये पॉइंट तो ऑलरेडी मेरा आ चुका है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इसलिए लिया हूँ ताकि ये पॉइंट जो है बरोबर आए, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट मेरे को मार्किंग नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने राउंड सर्कल मार के इस पॉइंट के ऊपर से लो, या आपको यहाँ से लो या यहाँ से लो, बात वही आता है, लेकिन आपको यहाँ पर परफेक्ट मार्किंग नहीं मिल रहा था इसके लिए। उसके बाद क्या करना है, ये 2 नंबर मतलब 3 नंबर को देखना है यहाँ से, जो भी आ जाए उसको फिर से यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करने के बाद
यहाँ पे देखना है, और ये वाला पॉइंटर को इस पॉइंटर के ऊपर रख करके आपको यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल लेना है, और यहाँ से लेना है आपको एक सर्कल इसके ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है ये वाला 3 नंबर वापस से, और ये भी मेरा 3 नंबर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से इसी प्रकार को लेना है यहाँ पे, फिर राउंड कर देना है और एक राउंड इधर कर देना है, और उसके बाद देखना है ये 2 नंबर ये वाला, तो ये 2 नंबर यहाँ पे चेक कर लेना है, जो भी आ जाए आपका कुछ इस तरह आएगा, और फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंटर देख लेना है 2 नंबर का कितना आया है। यहाँ पे लेना है इसके पॉइंटर के ऊपर ए के ऊपर से, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो भी वही आने वाला है 2 नंबर उसका भी, इसलिए मैं दोनों साइड ले रहा हूँ, आप इस कन्फ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है 2 नंबर्स, ये भी 2 नंबर्स, उसके बाद जो बचा है मेरा 3 नंबर, मतलब सॉरी 1 नंबर, तो 1 नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो इसको यहाँ से देख लेना है जो भी आ जाए आपका, और फिर उसको क्या करना है यहाँ पे इस तरह मार्किंग लेना है, और इसी मार्किंग के ऊपर से ये वाली हाइट को चेक करना है इस तरह से। और अभी मैंने यहाँ पे प्रकार नहीं घुमाया है, तो ये घुमा लेता हूँ मैं सबसे पहले, इस तरह से राउंड करना है, और एक यहाँ पे राउंड करना है, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ से इस तरह से राउंड कर देता हूँ, और एक, तो फाइनली देख सकते हो मेरा 4 नंबर आ चुका है, मतलब यहाँ से 1 नंबर हो चुका है। तो अभी मैं इसको मैच करने वाला हूँ, तो यहाँ पे राउंड का जो है मार्किंग वो हो चुका है पूरा, अभी मैं इसको मैच कर लेता हूँ, उसके बाद आपको और इसमें थोड़ा सा मार्किंग बाकी है वो भी बता देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका मार्किंग मैच कर लेता हूँ इस तरह से, ये पूरा ही नीचे आएगा, थोड़ा सा अभी ऊपर जाने लगेगा थोड़ा थोड़ा इस तरह, और इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी उसी तरह आपको पूरा मार्किंग कर लेना है, पॉइंट आपको जिस तरह भी आ जाए, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में डाउट होगा कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मैच करना है आपका सारा पॉइंट। तो ये यहाँ पे इस तरह आ चुका है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह आ चुका है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट तो ये हो चुका है, और इधर वाला ये हो चुका है, और इधर वाला ये हो चुका है। अब जो बचा है मेरा इधर का पार्ट बचा है 40 mm, तो उसका क्या करना है आपको, यहाँ पे 40 mm का मार्किंग मतलब सेंटर इस हाफ लेना है, संधा मेरे को जो है वो साइड में चाहिए, तो उसको क्या करना है इस पॉइंट पे लेना है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा वाला इसके ऊपर इस तरह से रेडियस लेना है, ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अभी क्या है 0 पॉइंट है, तो वो पॉइंट मैं कहाँ से लूँ कि मेरे को राइट एंगल परफेक्ट आएगा, तो उसके लिए आपको लेना है यहाँ से ये देखो ए का अभी 2 नंबर हो चुका है, ये 1 नंबर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो भी है, तो यहाँ पे अभी आपको जो है दूरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो ये मैंने इधर बड़ा पॉइंट है इसलिए आया कि यहाँ पे गैप है, और इधर भी थोड़ा सा आउट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे आउट है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे अभी आपको क्या लेना है कि परफेक्ट आएगा, उसके लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो एक ही नंबर मतलब जो आपका हाइट है एंड में, क्योंकि इधर से तो प्लेन ही है ना, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है ये 60 mm को ही लेना है, सिर्फ ये ओनली 60 mm यहाँ से जो भी है आपका उसको इस पॉइंट पे रखना है यहाँ पे, और इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और एक यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ यहाँ पे कि ये किस तरह से बना है, और इसमें कहाँ पे राइट एंगल आएगा, फिर से एक बार राइट एंगल आएगा ये, तो वो किस जगह पे आएगा, ठीक है, तो वो मैं यहीं पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हो ये आया है राइट एंगल यहाँ पे, 2 जगह है, एक यहाँ पे आया था एक यहाँ पे आया था। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको सारा पॉइंट मिला लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि अलग अलग साइज होना चाहिए, मतलब राउंड का साइज आप हमेशा एक ही रखते हो, स्क्वायर का साइज सेम रख लेते हो तो इजी बन जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइज इस बार देख सकते हो चेंजेस कर रखा है, बिल्कुल ही अलग तरीके से चेंज कर दिया है कि आप लोग को कुछ डाउट ना रहे। उसके बाद क्या करना है फिर इस वाले पॉइंट को मिलाना है यहाँ पे, इस तरह उधर मिलाया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर मैं राइट एंगल रखूँगा तो मेरा मैच हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है यहाँ पे उसी तरह पॉइंटर ले लेना है और यहाँ पे मैच कर देना है, क्योंकि मैंने एक ही पार्ट में बना दिया है,
तो आपको अगर दो पार्ट में बनाना हो तो आप रिक्वायरमेंट करोगे तो मैं उसको दो पार्ट में ही बना दूंगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये हाफ पार्ट है मेरा, ये 80 है, ये बीच में 50 एम इधर वाला है। हाँ, अगर आपको फलांचे के लिए रखना हो कुछ भी तो आप यहाँ पे उतना बढ़ा लेना है। मैं रखने वाला हूँ फलांचे के लिए थोड़ा सा, उसमें होगा क्या मेरा थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा, पर लेंथ बढ़ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कहीं पे लगाना नहीं है परफेक्ट जगह पे, तो मैं सिर्फ बना के दिखाने वाला हूँ, इसलिए फलांचे के लिए ले रहा हूँ मैं। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप भी ले लेना। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास जो है यहाँ पे स्पेस आप देख सकते हो थोड़ा सा ही बचा है 10 mm के लायक, तो मैं 10 mm ले लेता हूँ। पर आपको ये मार्किंग हर जगह करना पड़ेगा इस तरह से, जहाँ जहाँ पे आ रहा है डिग्री में टेप को रख करके इस तरह से, और मतलब पूरा मार्किंग करना है आपको जहाँ जहाँ पे आ जाए आपका। तो मैंने फलांचे का ये ले लिया है, इस तरह से ले लेना है, और फिर यहाँ पे भी ले लेना है। इस तरह से और एक मार्किंग यहाँ पे भी ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, मेरा जो है पेज जो है वो एंड हो चुका है, तो इसलिए मैं इधर ही मार्किंग ले लेता हूँ। ओके, और अभी मैं इसको मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ कि ये बनने के बाद किस तरह का दिखेगा। इस तरह से आ चुका है, और ये वाला दोनों इस तरह से, और ये वाला मार्किंग यहाँ पर, ठीक है। और फिर इधर का 10 का 2 मार्किंग जो है वो आया यहाँ पे, और ये वाला मेरा फिर डिग्री इधर 10 mm, ये दोनों जहाँ भी जाए उसको नहीं देखना है आपको, सॉरी उसके लिए। ये हो चुका है, अभी क्या करना है, आपके पास इस तरह का राइट एंगल मैच होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे डिग्री मैच करके दे, नहीं तो आप खांच नहीं काट पाओगे इसका परफेक्ट है। इस तरह से मार्किंग करके दे दे, ऐसा आपके पास राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास है, मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ, इस तरह से डिग्री आएगा इसका। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी रख के इस तरह से राइट एंगल सिर्फ आपको मैच करके नॉच काटना है। तो दोस्तों ये मेरा फाइनली राउंड 2 स्क्वायर बन चुका है, और जो कि 12 साइज में है, ठीक है। आपको इसका रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने बना दिया है वीडियो। तो अभी मैं इसको भी मैच कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छा दिखे, और ये वाला मैच है ही। तो दोस्तों मैं इसी को बोला जाता है बिग राउंड और स्मॉल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बोल सकते हो आप, या तो रेक्टेंगल डक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो साइज है डिफरेंट साइज है, 80 mm बाई 50 mm है। अगर सेम साइज रहता है तो उसको स्क्वायर बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग साइज है, इसलिए इसको मैं स्क्वायर ही लिखा हूँ, लेकिन रेक्टेंगल बोला जाता है इसको। तो दोस्तों मैं अभी इसको कट कर लेता हूँ फाइनली, उसके बाद आपको दिखाता हूँ असेंबल करने के बाद कि यहाँ पर डायग्राम पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा मेरा डायग्राम डैमेज होने वाला है, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, अभी मैं इसको कट करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मेरा पीस है यहाँ पे बन चुका है, ये 80 mm, इधर बीच में 50 mm जो कि यहाँ पे मैंने लिया था ये वाला, और दूसरा जो है ये 0.5 mm इधर का आया है, ये देख सकते हो ए पॉइंट यहाँ पर लिया था मैंने, और यहाँ पर डी और यहाँ पर सी लिया था। अगर आपको दोस्तों 1 पार्ट में बनाना है तो 2 पार्ट में बनाना है तो उसको थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा आपको, तो उसके लिए अगर आप रिक्वायरमेंट करोगे कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे सिंपली अगर देख सकते हो तो यहाँ से हाफ कर लोगे, और यहाँ से इसको एक सेंटर की मार्किंग करके मैच कर लोगे तो हाफ बन सकता है, ठीक है, उस तरह भी बनेगा, बट वो तरीका सक्सेसफुल नहीं है। तो इसलिए ये मैंने अभी 1 पार्ट में ही बना दिया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको कट मारूंगा और आपको दिखाऊँगा कि ये पीस इस तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो अच्छा लगने पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको कट लगा लिया है, अभी मैं इसको जोड़ के भी आपको दिखाऊंगा और ये फ्लांचे भी निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पे रखने के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस तरह का। तो अभी मैं सबसे पहले इसको जोड़ लेता। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने फ्लांचे निकाल लिया है, आपको जिस हिसाब से रखना हो उस हिसाब से रख लेना, जितना भी रखना हो। तो ये मेरा डायग्राम था, मैंने इस तरह डायग्राम बनाया है, देख सकते हो आप, इसी तरह डायग्राम बनाया था मैंने इसीलिए। और अगर इस तरह रखता हूँ तो यहाँ पे इस पर आ चुका है मेरा, ये थोड़ा सा फलांचे का यहाँ पे रखता हूँ, और देख सकते हो ये इधर से फ्लैट आया है। अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे मैं राइट एंगल स्टैंड करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो 0-0 आ रहा है। तो दोस्तों इसी को बोला जाता है
बिग राउंड स्मॉल स्क्वायर वन साइड फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट है वन साइड। अगर इस तरह लगाता हूँ मैं इसको तो यहाँ पे देख सकते हो ये बॉटम प्लेन आ रहा है, क्योंकि इधर जो है मैंने इसको प्लेन रखा है एक साइड से। आप चाहो तो अगर आप रिक्वायरमेंट करोगे तो मैं टू साइड फ्लैट और राउंड टू स्क्वायर बड़ा वाला भी बना सकता हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे मैंने, राउंड टू स्क्वायर, स्क्वायर टू राउंड जिसको मतलब बोला जाता है, तो बहुत सारा वीडियो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी बना रखा है। आप जब मेरे चैनल में विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो मेरा डाया है ये सोयाबीन आ चुका है, देख सकते हो ये जो कि यहाँ पे मैंने सोयाबीन रखा है। तो इस तरह से बनाया जाता है। आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके एक बार आप ज़रूर मेरे को कॉमेंट कर देना कि कुछ डाउट हो तो मैं आपको उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे रखने के बाद इसी तरह का दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगने में प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि मेरा जो है हौसला बना रहे और मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहता हूँ।